जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। कहते हैं सुरपति सुत धरी वायुसुत, इंद्र के पुत्र जयन ने कौवे का वेश भगवान के शक्ति के को थाहना चाहता है, उसका अंदाजा लगाना चाहता है कि सचमुच बलवान है, सचमुच ये वही है जो सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। पत्नी के गले में हार पहना रहे, खुद बनाकर सठ चाहत रघुपति बल देखा, भगवान के बल को जांचना चाहता है। कैसे जिमी पिपिल का सागर था, जैसे कोई चीटी समुद्र का थाह लगाना चाहती हो महामंदमती, और उसने चोंच मारा सीता जी के पैर में। सीता जी जगदम्बा है, भवानी है, साक्षात लक्ष्मी है, क्योंकि प्रभु श्री राम नारायण है और इस सारे जगत के लोग उन्हीं के तो बच्चे हैं। उन्होंने भगवान से कुछ शिकायत नहीं की, कहा नहीं कि देखिए कौवा आकर मेरे पैर में मार दिया, रक्त बह रहा, नहीं कहा। जब रक्त बह के उधर पहुंचला रुधिर रघुनायक जाना, जब रक्त भगवान के पास तक पहुंचा तब उन्होंने देखा कि ये नादानी, समझ गए कि इंद्र का बेटा है। कई बार सत्ताधारियों के बेटे मनमानी करने लगते हैं, वैभवशालियों के बच्चों का चरित्र बिगड़ जाता है, क्योंकि वो लोग पहले जैसे राजाओं की तरह शिक्षण नहीं देते कि जो जितना मजबूत होगा, जितना संघर्ष करेगा, उतना ही दुनिया का सामना कर पाएगा और बड़े से बड़े कार्य संपन्न करने की क्षमता उसके पास होगी। नादानी में वैभवशाली के घर वाले बच्चों पर ध्यान नहीं देते, केवल सुविधाओं पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास पैसा है, मेरा बेटा जो करे सो करे, नादानी करे गलती करे तो छोड़ दे, अरे अपना बच्चा है चलता है, लेकिन समाज में वो नहीं चल सकता। और छोटी छोटी गलतियां छूट देने पर बड़ी गलती वो बच्चे करते हैं। जितनी विकृति समाज में दिखाई दे रही है, जो युवा है, जो तरुण है, उनकी गलती कम, उनके माता पिता की गलती अधिक है, उनके घर वालों की गलती अधिक है कि जो मनमानी करते हैं बहुत। उस पर हम बोलना नहीं चाह रहे कि बहुत तरह के कांड समाज में हो जाते हैं और जिसके कारण पूरा समाज शर्मिंदगी महसूस करता है कि ऐसा लग रहा है कि आचरण ऐसा हो गया कि मानवता समाप्त हो गई, संवेदन शून्य हो गए लोग। और ये संवेदन शून्यता किसी गरीब घर के बच्चे नहीं है, ये सब वो लोग हैं वैभवशाली इंद्र जैसे, जिनके बच्चे जयंत जैसे होते हैं। और ये गया और सीता मैया के पैर में मार के आ गया और भगवान की था ले रहा। बहुत लोग हैं जो भगवान की था लेते, कायर डरने वाले लोग, झूठ मूठ के नास्तिकता का आवरण ओढ़ते हैं, नास्तिकता भी नहीं कहेंगे, स्यूडो सेक्युलरिज्म, झूठ मूठ के सेक्युलर। और ये भी कहेंगे ना हम तो नहीं मानते हैं। अब एक घटना याद आ गई कि एक आदमी कहता था मैं तो किसी भगवान को, अरे क्या भगवान भगवान थोड़े होता है, जियो जिंदगी जी लो अपने। तो दूसरा आदमी कहता था कि नहीं भाई मैं तो कभी कभी मंदिर चला जाता हूं। तो एक दिन देखा झोली में ये जो नास्तिक जी थे कुछ रखे हुए थे, तो चुपके से झोली उनकी चेक कर ली तो उसमें माला रखा हुआ था। बोले आप तो कहते मैं भगवान को मानता नहीं, माला क्यों रखी? तो कहा कि देखो भाई मुझे डर लगता है कि मानता तो हूं कि भगवान होता नहीं लेकिन हुआ तो, इसलिए चुपके से दो चार माला रोज जप लेता हूं कि अगर हुआ तो वो समझ लेगा कि कोई बात नहीं। तो ऐसे लोग जो समाज में चेहरा अलग और भीतर चेहरा अलग,
तो इंद्र के बेटे ने चोंच मारा, धनुष तो वहां रखा नहीं था, कुटिया में अंदर रखा होगा। भगवान ने सींक उठाया जिससे वो माला बना रहे थे, सींक पे दूसरा सींक चढ़ाया और छोड़ दिया, और सींक का था वो ब्रह्मास्त्र था। अब ब्रह्मास्त्र चला, अभी भागने लगा, भागते भागते पिता श्री इंद्र के पास पहुंचा, और जब बताया कि पिताश्री वो पीछे से आ रहा है वो ब्रह्मास्त्र, तो बोले मेरे पास मत रहो नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा, भागो यहां से, बाप भी सहायक नहीं। भगा दिया, सभी देवताओं के पास गया जयंत, सब जगह विनती की, सब जगह भिक्षा मांगी प्राणों की, कोई देवता साथ नहीं। जब नाथ ही नाराज हो जाए तो कौन देगा साथ, इन जगत के पिता ही नाराज हो जाए, ईश्वर ही नाराज हो जाए तो कौन साथ देने वाला, कोई देवता साथ नहीं दिया। भागे जा रहा है विकल होकर, व्याकुल होकर कि अब क्या हुआ होगा, अब तो मैं मरने ही वाला हूं। तभी नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए प्रकट हुए। नारद जी ने व्याकुल जयंत को देखा, देवराज इंद्र का पुत्र इस हालत में ऐसे ही दर दर की ठोकर खा रहा, कोई सहायक नहीं, तो बोले रुक जाओ जयंत, बोले रुकूंगा तो ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा। तो नारद मुनि ने कहा कि प्रभु तुम्हें मारना नहीं चाहते, कि मैं उनका रहस्य जान रहा हूं, तुम उदंड हो, तुम्हें सजा देना चाहते, अगर मारना होता तुम अपने बाप के पास गए तब भी ये पीछे पीछे चल रहा था, रुके तो वो भी रुक गया, वही मार देता, तुम दूसरे देवताओं के पास गए वहां रुके तो वो भी पीछे रुक गया, वही मार देता। ब्रह्मास्त्र को देर लगती है, गया और मारा, गोली छूट गई तो गोली पीछे पीछे साउथ इंडियन फिल्मों की तरह कि अभी गोली चली, गोली अब रुकी हुई है। तो अब ये तो एक बार छूटी और गोली लगी, लेकिन ये रुक जा रहा है, ये रुक इसलिए रहा है कि भगवान मारना नहीं चाह रहे, दंड दे रहा है, लेकिन दंड कितना भारी होगा, हो सकता है मृत्यु दंड ही हो जाए, हो सकता है कि मृत्यु दंड ही हो जाए। तो बाबा आप देवताओं ने तो कोई साथ दिया नहीं, एक संत का भरोसा है। और नारद जी लाग दया कोमल चित संता, संत का हृदय कोमल होता है, दया गई देख रुक गए, जयंत से बात किसी देवता ने बात तक नहीं की, लेकिन नारद मुनि वहां रुके, उसको समझाया कि ऐसी भूल कभी मत करना, परमात्मा की था इंसान लेगा, ईश्वर की परीक्षा जीव लेगा, तुमने ये गलती की कैसे, एक ही उपाय है, उपाय ये है कि जिसकी भूल की है उसके शरण में चले जाओ, वो तो करुणा निधान है। कोई लोग आते हैं कि करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, कि हे प्रभु आप तो जगत के दाता है, तो जगत के दाता और करुणा निधान है, वो तो करुणा में पिघल जाएंगे, उन्हीं की शरण में जाओ, किसी की सिफारिश वहां नहीं चलने वाली, और कोई करेगा भी नहीं, जो करेगा वो अपने पद से जाएगा। सरकार में प्रधानमंत्री की कोई गलती कर दे, भारी गलती प्रधानमंत्री के लिए एकदम, और सिफारिश कोई एमएलए एमपी या मंत्री लेके जाए तो चले जाए, तो मिल गया बुद्धिमान आदि का प्रधानमंत्री से ही अपॉइंटमेंट लो, चरण में गिर जाओ, पार्टी का टिकट मिल जाएगा, जो भी गलती तुमसे हुई है क्षमा वही करेंगे, बाकी कोई कोई नहीं कर सकता, कोई सिफारिश करने जाएगा वो और नाराज होगा, 6 साल के लिए बर्खास्त करवा देंगे, इसलिए सीधे वहीं पहुंच जाओ। तो सीधे जयंत भगवान के चरणों में गिरा, प्रभु ने क्षमा किया, क्षमा किया, लेकिन वो तो ब्रह्मास्त्र चल चुका है, तो एक आंख फोड़ के छूट गई,